अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये दही का मैं फर्टिलाइज़र बनाई हूँ। इसे मैं 4 दिन 5 दिन पहले पानी में कर दही को, इसमें आधी चम्मच काला नमक रखी थी और इसको ढक के रख दी थी। 4 दिन के बाद ये ऐसी हो गई है, अच्छे से मिक्स हो गई है। देखिए बहुत अच्छी होती है ये, हर प्लांट में आप डालिए। सब्जी का प्लांट फ्रूट का प्लांट सभी में डालिए आप। देखिए ये 10 लीटर पानी में मैं ये एक जग दही का घोल रखी हूँ। अब इसे मिक्स कर इसे मैं पौधों में डालूँगी। देखिए ये लौकी का पौधा है, इसे थोड़ा गुड़ाई कर ले रही हूँ। एक हाथ में कैमरा इसलिए सही से ले नहीं पा रही हूँ, एक हाथ से गुड़ाई कर रही हूँ। देखिए इसकी गुड़ाई हो गई है। अब इसमें मैं वो फर्टिलाइज़र डाल दे रही हूँ। ये लौकी का पौधा है, यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है। देखिए अच्छे से और डाल देती हूँ। ये सूख जाती है बहुत जल्द पानी। अब इसमें मैं मिट्टी भी रख दे रही हूँ, थोड़ा और ज़्यादा मिट्टी। ये हमारी बनी हुई मिट्टी है, सब तरह का मिक्स है इसमें। मैं बना के रखती हूँ मिट्टी, वही डाल दे रही हूँ। फिर ऊपर से और पानी डाल दूँगी। ये लौकी का पौधा है, देखिए और पानी ऊपर से डाल दे रही हूँ। उसके बाद इसे मैं मल्चिंग करूँगी, बहुत सूख जाती है तुरंत में पानी। अच्छे से भरपूर पानी डाल दी हूँ। उसके बाद मैं मटर का छिलके का सुखा कर रखी थी, आप लोगों को वीडियो में दिखाई हूँ मैं, उसी को मल्चिंग कर दूँगी। देखिए इस तरह से सूखी हुई मटर के छिलके हैं। इससे मिट्टी अच्छी नमी बनी रहेगी, ज़्यादा धूप में मिट्टी जल्दी सूखेगी नहीं। थोड़ा सा जड़ से हटा कर रखना है। देखिए हमारी वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को। अगर आप नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके बताइए। इस तरह से आप लोग भी अपने पौधे में मंचिंग करिए। अल्लाह हाफिज़।